हम लोग बात कर रहे हैं बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में कस्टमर आईडी की। कस्टमर आईडी कैसे पता करें, इसका यूज कहाँ है और इसे कैसे जनरेट कराएं? तो देखिए, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग नया वाला आया है एम तरंग, उसमें इसकी जरूरत जो है पड़ रही है। तो कस्टमर आईडी कैसे पता करें, तो ये सबसे पहले बता दें आपको, 9 अंकी कस्टमर आईडी होती है जो कि आपको केवल और केवल ब्रांच से पता चलता है। काफ़ी लोगों का ये सजेशन है, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं, उन्हें कन्फ्यूजन है कि हम अपने पासबुक पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उनके पासबुक पे कस्टमर आईडी नहीं लिखी होती है, दो चीज़ लिखा होता है, एक CIF नंबर और एक लिखा होता है आपका अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर भी जो है आपका 9 अंक का नहीं होता है, ना ही CIF नंबर आपका 9 अंक का होता है। एक कस्टमर आईडी ही होती है जो कि एग्जैक्ट 9 अंक की होती है और वही आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप में पड़ता है, तब जाकर के आपका मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो पाएगा। तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने ब्रांच जाना ही जाना होगा अपना पासबुक लेकर के, और मैनेजर या क्लर्क के पास या कैशियर के पास जाकर के आपको अपने अकाउंट की इंक्वायरी करानी होगी। परंतु आपका कस्टमर आईडी वहाँ पे 9 अंकों का शो करता है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और फिर आप अपने मोबाइल बैंकिंग में कस्टमर आईडी का यूज़ करके आप चाहे तो अपने एम तरंग ऐप का इंस्टॉल करके अपना यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का जो नया मोबाइल बैंकिंग एम तरंग आया है, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करते हुए, रजिस्ट्रेशन करते हुए यूज़ करें, उसका ऑलरेडी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।